नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जेसीबी वाला गुरुजी में। एक्चुअली ये जेसीबी 3DX है, 2010 का मॉडल है, 9-10 का। वहां जाके कंफर्म करेंगे, वो भी दिखाऊंगा। इसका बकेट सिलेंडर का सिल किट डालने वाले हैं, तो ऐसे में कितना खर्च आता है और कौन सा डालना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2010 का मॉडल है ये जेसीबी 3DX है। यहाँ पे मॉडल होता है हर मशीन का, तो जब सिल किट लाना है आपको शॉप से तो उनको मॉडल बताना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट सिल मिलेगा, ठीक है। नहीं तो कभी गलती होगी तो दूसरे मॉडल का सिल किट आया तो फिर सिल किट रिप्लेस करने को जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं हर बार आपको मॉडल कन्फर्म करवाते रहता हूँ। ये मेरा टूल किट है, उसमें मेरे सारे टूल्स रहते हैं। ये पाइप रेंच पाना भी लगेगा आज के इसमें, और वहाँ पे सिल किट है और ये रैम है अपना। यहाँ से लीकेज हो रहा है, यहाँ पे देखो काफ़ी लीकेज हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिल कटा हुआ आपको मिलेगा, दिखेगा ये देखो। तो अभी इस सिल कोट को रिप्लेस करेंगे। लगभग इसको रिप्लेस करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आराम से, और कभी कभी इसका चेक नट नहीं खुला या पिस्टन नहीं खुला तो थोड़ा ज़्यादा भी देर लगता है। तो इस सिल किट चेंज करने को अगर आपके पास साइड पे आके बंदा करेगा चेंज तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगेगा बंदे का, और आप ये सिलेंडर खोल के कहीं पे लेके जाते हैं किसी वर्कशॉप में तो चेंज करने के लिए 500-600 भी ले लेते हैं लोग। और सिल किट का क्या है, कंपनी का सिल किट डालते हो आप, कंपनी का यानी कि जेन्यून, तो 2500 का आता है। और आप लोकल डालते हो तो लोकल आपको 600, 700, 800, 1000 के ऊपर नहीं है कोई भी लोकल सिल। अगर आपको 1000 के ऊपर कोई बेचता है तो वो गलत है, उससे ज़्यादा महंगा कोई भी नहीं, क्योंकि कंपनी का ही 1500-2500 में, ठीक है। तो बाहर का लोकल सिल ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक मिल जाता है बस। सिल का मान के चलिए 1000 रुपये, और इंजीनियर अगर आपके घर पे आके दूर आके करता है तो उसका 1500 पकड़िए, तो 2500 तक खर्चा अप्रॉक्स आता है मेरे एंगल से। अब आपके एरिया में कितना खर्चा आता है सिल किट चेंज करने को, अगर बंदा सिलेंडर खोल के आपके पास आता है तो उस टाइम पे कितना खर्चा आता है, और आपके पास नहीं आता है आपको वहाँ पे चला जाना है तो उसमें कितना खर्चा आता है, ऐसा कमेंट करके बताओ, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाता है हमारे जो व्यूअर्स है उनका। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी है आपके काम आएगी और आपको पता भी चली है। और इसी तरह के हमारे जेसीबी के वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और अभी तक आपने लाइक वाले बटन पे हिट नहीं किया तो देखो पसंद आया तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। और कुछ आपके सलाह या सुझाव है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में हमें बोल सकते हैं।